Hello and welcome to my channel Econ Academy. This video is in Urdu, so you can watch its English version from the link given below in the description. Assalamu alaikum dosto. Aaj ki video mein main aapko bataunga ki hum cross sectional data eviews mein kis tarah import karte hain. Basically hamare paas do tarike hain cross sectional data ko eviews mein import karne ke. Main aapko dono step by step bataunga. सो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सबसे पहले हम चले जाएंगे फाइल में. यहाँ पर हम इंपोर्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर हम इंपोर्ट फ्रॉम फाइल कर लेंगे. हम यहाँ पर अपने उस फोल्डर में चले जाएंगे जिसमें हमारा डेटा पड़ा होगा. सो मैं क्रॉस सेक्शनल डेटा को इंपोर्ट करना चाहता हूँ. मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है एक्सेल में. मैंने इसको सेलेक्ट करके अभी ओपन कर लूँगा. सो हमारे पास सेल रेंज में दो ऑप्शन है. पहला प्री डिफाइंड रेंज है और दूसरा कस्टम रेंज है. अगर हमारा प्री डिफाइंड रेंज सही तरह सेलेक्ट हुआ होगा हम इस तरह यहाँ पर चेक कर सकते हैं. इस तरह चेक कर सकते हैं. अगर हमारा प्री डिफाइंड रेंज सही तरह सेलेक्ट हुआ होगा तो हम प्री डिफाइंड रेंज को सेलेक्ट करके नेक्स्ट में चले जाएंगे. अगर प्री डिफाइंड रेंज ठीक तरह सेलेक्ट नहीं हुआ होगा तो हम कस्टम रेंज में चले जाएंगे. यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम जो डेटा हमारा है जिस सेल में है उस सेल के मुताबिक हम यहाँ पर दे देंगे. यहाँ पर हमारे पास D3 से स्टार्ट होता था. लेट सपोज हमारा डेटा F3 से स्टार्ट हो रहा है तो हम F3 लिख लेंगे. और लेट सपोज हमारा F1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम F1 लिख लेंगे. तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं. हमारा प्री डिफाइंड रेंज सही तरह सेलेक्ट हुआ था तो इसलिए हम प्री डिफाइंड रेंज में ही चले जाएंगे. यहाँ से हम शीट को भी चेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास एक से ज़्यादा शीट्स हो तो. क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक ही शीट है तो इसलिए एक ही शीट आ रहा है. तो हम इनमें से जो भी हमारा टिक सेलेक्ट हुआ होगा इसमें मेरा तो प्री डिफाइंड रेंज में अभी टिक सेलेक्ट हुआ है इसलिए मैंने प्री डिफाइंड को सेलेक्ट किया है. नेक्स्ट में क्लिक कर लूँगा. यहाँ पर रो इन्फॉर्मेशन जो है ये पहला रो जो है ये नेम्स को शो कर रहा है तो ये ठीक तरह से शो हो रहा है. तो हम नेक्स्ट में चले जाएंगे. यहाँ पर कंट्री इन्फो जो है वो भी ठीक तरह से सेलेक्ट हुआ है. कॉलम इन्फो जो है वो हमारा पहला कॉलम जो है वो हमें कंट्रीज का इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो भी ठीक तरह सेलेक्ट हुआ है. अगर ये ठीक तरह सेलेक्ट नहीं हुआ होगा तो हम यहाँ पर कंट्री लिख लेंगे. सो अभी ठीक तरह सेलेक्ट हुआ है तो हम नेक्स्ट में चले जाएंगे. यहाँ पर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल के दो क्रॉस सेक्शनल के दो ऑप्शंस है. एक है अनडेटेड विद आईडी सीरीज और एक है अनडेटेड स्लैश अनस्ट्रक्चर्ड. अगर हमारे पास आईडी सीरीज हो तो हम अनडेटेड विद आईडी सीरीज सेलेक्ट कर लेंगे और अगर हमारे पास आईडी सीरीज ना हो तो फिर हम अनस्ट्रक्चर्ड स्लैश अनडेटेड में चले जाएंगे. अब हमारे पास आईडी सीरीज है इसलिए हम इसमें चले जाएंगे और हम फिनिश कर देंगे. ये हम नो कर देंगे. तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है एक्सेल में. हम किसी भी वेरिएबल को ओपन करके चेक कर सकते हैं. सो ये पहला तरीका था क्रॉस सेक्शनल डेटा को इंपोर्ट करने का. अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा. दूसरे तरीके में सबसे पहले हम फाइल में चले जाएंगे उसके बाद हम न्यू में चले जाएंगे और फिर वर्क फाइल में चले जाएंगे. यहाँ पर हम अनडेटेड स्लैश अनस्ट्रक्चर पे क्लिक करके यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख लेंगे. जो हमारे पास कंट्रीज होंगे नंबर ऑफ कंट्रीज होंगे वो हम यहाँ पर लिख लेंगे.
इस केस में हमारे मेरे पास 27 है, तो मैं 27 लिख के यहाँ पर वर्क फाइल नेम हम लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, हम बाद में भी लिख सकते हैं। सो मैं अभी इसको इसी तरह छोड़ देता हूँ और ओके पे क्लिक कर लूँगा। अब हम क्विक में चले जाएंगे और एम्प्टी ग्रुप सीरीज में चले जाएंगे। अब हम एक्सेल में चले जाएंगे, वहाँ पर हम ने जो डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं हमने पहले से सेलेक्ट किया होगा, ओपन पहले से ओपन किया होगा, तो हम उस सारा डेटा सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और वापस व्यूज़ में आ जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट रो में हम वो डेटा पेस्ट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि सारा डेटा पेस्ट हो चुका है। सो हम इस ग्रुप को सेव भी कर सकते हैं, हम यहाँ से नेम करके सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रुप सेव हो चुका है और हम किसी भी वेरिएबल को ओपन करके डेटा को चेक कर सकते हैं कि डेटा इंपोर्ट हो चुका है कि नहीं। सो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया है कि पैनल क्रॉस सेक्शनल डेटा इव्यूज़ में किस तरह इंपोर्ट किया जाता है। मैंने पहले आपको स्टैंडर्ड तरीका बताया, लेकिन अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। सो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।